नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज ही आप सभी के सामने एक इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे फिनाकल में हम लोग कैसे कैश की लोडिंग करते हैं एटीएम में, यानी कि जब भी एटीएम में पैसे डालते हैं तो उसको फिनाकल में कैसे हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर पैसे आपने उसमें किसी भी इमरजेंसी के कारण एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हो, यानी कि अगर एटीएम में कोई ख़राबी आ गई है आपको कैश निकालना है तो उस केस में दोस्तों एटीएम की कैश की अनलोडिंग कैसे करेंगे, दोनों प्रोसेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण साय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों जब जीएल की इंटीग्रेशन नहीं हुई थी, प्री जीएल इंटीग्रेशन में जो एटीएम की कैश थी वो बैंगलोर जीपीओ के कैश का एक पार्ट था, तो जो भी एटीएम की सोल्स हैं यानी कि जिस भी सोल में एटीएम लगा हुआ है उनको वहाँ पे 4 ट्रांजैक्शंस टोटल करनी पड़ती थी। एक बार तो बैंगलोर जो जीपीओ है उसका ये कैश अकाउंट जो है 0007 इसको क्रेडिट करना पड़ता था, और उसके बाद में एटीएम का जो कैश था 0006 उसको डेबिट करना पड़ता था। तो इस प्रकार से जब वो उसको सैप में पोस्ट करते थे तो उनको ये एंट्री जो है 4 एंट्रीज वहाँ पे करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा नहीं है, जब से जीएल इंटीग्रेशन हुआ है यानी कि ऑटोमेटिक जब वो जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो फिनाकल की वो डेली अकाउंट में आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं। तो पोस्ट जीएल इंटीग्रेशन में आपको अभी ऐसी प्रोसेस है वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीटीएम मेन्यू में जाना है। सीटीएम मेन्यू में जैसे आप नॉर्मल कैश विड्रॉल करते हैं वैसे आपको विड्रॉल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और विड्रॉल सेलेक्ट करने के बाद में जो आपका डेबिट का अकाउंट है यानी कि जो अकाउंट नंबर, वो आपको मैंने पहले ही बताया था एटीएम कैश का जो अकाउंट है आपका एटीएम की सोल आईडी यानी कि जिस सोल में आपका एटीएम लगा हुआ है वो सोल आईडी आपको वहाँ पे लिखनी है, और ये लास्ट में 4 डिजिट्स 0006 ये आपको वहाँ पे टाइप करने हैं। तो एटीएम की जो भी सोल है आपकी वो सोल आईडी आपको वहाँ पे लिख के 0006 ये टाइप कर देना है। तो जैसे ही टैप प्रेस करेंगे आपको एटीएम कैश वहाँ पे लिखा आएगा, तो ये जो है से नॉर्मल विड्रॉल करते हैं तो आपका वो अकाउंट नंबर वहाँ पे आएगा। तो सुपरवाइज़र में जब आप उसको वेरीफाई कराएंगे तो आपको या तो पोस्ट कैश में आपका वो अमाउंट होना चाहिए, नहीं तो आप अगर बाहर से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विदाउट पीओएस से तो आपके टेलर कैश में वो पैसा पहले होना चाहिए जहाँ से वो आपके टेलर आईडी से डेबिट हो जाएगा। और इसकी कोई भी ट्रांजैक्शन दोस्तों आपको सैप से नहीं पोस्टिंग करनी है, ये ऑटोमेटिक जो है पोस्ट जीएल इंटीग्रेशन हो चुका है, ऑटोमेटिक जो आपके डेली अकाउंट है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट की, यानी कि जब आप रिमूवल करते हो एटीएम में कैश की अनलोडिंग करते हो, तो एटीएम में कैश की अनलोडिंग आपको सिर्फ उसी केसेस में करनी है जब या तो एटीएम मशीन ख़राब हो गई हो जिसकी वजह से आप उसमें से कैश निकाल रहे हो, या फिर कोई बहुत ही इमरजेंसी केसेस आ गए हैं जिसकी वजह से आपको एटीएम से कैश की अनलोडिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों सीटीएम में आपको कैश डिपॉजिट जो फंक्शन है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें सेम आपको वही अकाउंट नंबर जो आपका एटीएम का अकाउंट नंबर होगा यानी कि आपकी सोल आईडी और 0006 जैसे आप कैश डिपॉजिट करते हैं ये प्रोसेस आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। देखिए दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैश रिमूवल शैल बी डन इन केस ऑफ एटीएम फेलियर या फिर एक्सीजेंसी, यानी कि एटीएम जब फेल हो जाता है यानी कि कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है उस केस में। तो चलिए दोस्तों इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर फिनाकल में करके दिखा देते हैं कैसे इसको प्रैक्टिकली करते हैं, फिनाकल में कैसे इन ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कैश लोडिंग की बात करते हैं, तो कैश लोडिंग के लिए आपको सीटीएम मेन्यू में जाना है। सीटीएम मेन्यू में आपको फंक्शन में देखिए ऐड यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फंक्शन में ऐड लेंगे और फंक्शन टाइप में आपको यहाँ पे विड्रॉल सेलेक्ट करना है दोस्तों। अगर आप कैश की लोडिंग करना चाहते हैं अगर फिनाकल में, यानी कि अगर एटीएम में आपने पैसा डाल दिया है जमा कर दिया है और उसका बैलेंस आपको बढ़ाना है तो आपको यहाँ पर विड्रॉल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो विड्रॉल यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में आपको गो पे क्लिक कर देना है, और अकाउंट आईडी में दोस्तों आपको अपनी एटीएम की सोल आईडी यानी कि जिस पोस्ट ऑफिस के बाहर आपका एटीएम लगा है उस पोस्ट ऑफिस की सोल आईडी और 0006 आपको यहाँ पे लेना है। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद टैप प्रेस करेंगे तो ये अकाउंट की डिटेल्स आपके सामने आएंगी। यहाँ पे देखिए वो सोल आईडी और एटीएम कैश यहाँ पे लिखा हुआ है, और नीचे आपको अमाउंट में वो अमाउंट डाल देनी है जितनी अमाउंट आपको कैश की लोडिंग आपको एटीएम में करनी है। तो नीचे इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस में आप एटीएम का बैलेंस भी देख सकते हैं। उसके बाद में आपको देखिए कैश लोडिंग और डीओपीएन करके ये उस एटीएम का नंबर है, और जिस डेट को आपको ट्रांजेक्शन करनी है वो डेट आपको लास्ट में लिखनी है। तो ऐसा फॉर्मेट बना के आपको इसको कॉपी कर लेना है
वो ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स में और रिमार्क्स में आपको इसको एज इट इज़ जो है पेस्ट कर देना है, तो जिससे ट्रांजैक्शन की जब आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये ट्रांजैक्शन कौन सी थी। तो रिमार्क्स में देखिए दोस्तों, रिमार्क्स में आपको एज इट इज़ इसको पेस्ट कर देना है, कैश लोडिंग, एटीएम का नंबर, और यही ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स में भी आपको करना है। उसके बाद दोस्तों आपको पोस्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आप F10 भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पोस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन जो है स्टेटस एंटर्ड में जाएगा, आपको इसको वेरीफाई करवा लेना है सुपरवाइज़र में, ट्रांजैक्शन आईडी को आपको नोट कर लेना है। तो दोस्तों वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आपका ये जो एटीएम का कैश है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो HACLINQ में जाके उसको चेक कर सकते हैं, नहीं से दोबारा से CTM में जाके कैश डिपॉजिट या विड्रॉ सेलेक्ट करके एटीएम का कैश नंबर वहां पे डालेंगे और उसके बाद नीचे इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस में आपको वो अमाउंट दिख जाएगी। तो चलिए HACLINQ मेन्यू से आपको दिखा देते हैं कैसे आप उसको चेक करेंगे। तो HACLINQ आप वहाँ पे टाइप करेंगे और आपको अकाउंट आईडी में वही अकाउंट नंबर, यानी कि आपकी एटीएम की सोल आईडी और 0006 आपको टाइप कर लेना है। तो ये टाइप करने के बाद में अकाउंट ओनरशिप इनवैलिड करके आएगा, आपको ओके कर देना है। उसके बाद स्टार्ट डेट आपको चेंज कर लेनी है। उसके बाद ओके के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एटीएम की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगी। देखिए जो हमने पर्टिकुलर्स में डाला था ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स में कैश लोडिंग, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो उसे पता लग जाएगा 9 लाख था ये किसी और डेट का है, यहाँ पे 5 लाख जो है कैश की लोडिंग है। तो इसी प्रकार से दोस्तों जब आप एटीएम से कैश निकालते हैं एटीएम फेलियर के टाइम पे, तो आपको ऐसे ही सीटीएम में कैश डिपॉजिट में जाना पड़ेगा। सीटीएम में जाके कैश डिपॉजिट करेंगे तो अकाउंट नंबर आपको वही एटीएम का सोल आईडी और 0006 आपको टाइप कर लेना है। तो जैसे ये प्रोसेस करेंगे आपके एटीएम से पैसा निकल आएगा, तो वो जो है आपको माइनस में एटीएम के कैश में माइनस में अमाउंट दिखाएगी वो। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।